Hello friends, this is your host Rachit Pangal. I hope you all are fit and fine. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है, जोन से भी मूवमेंट अच्छी लगती है जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप 100K का टारगेट लेके चल रहे हैं, है ना? तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं 100K और फिर होम टूर की वीडियो आएगी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, और आप लोगों को एक चीज दिखाऊं। हेला देखो काम रखी है प्यारी बच्ची, ये मेरे पास आके बैठती है और यहाँ जब तक मैं काम करता हूँ जब तक मेरे पास रहती है। हेलो, देख लिया तूने ऊपर, मैं प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है यार। तो कर ले काम, चल ले। अभी सो रही थी जैसे मैंने बोला तो ही उठी है। ना काम कर, देख 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 खेलेगी। ओह अंगड़ आई है इसकी यार। ये देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। आप पेट्स किस लिए रखते हो? कि वो हमें प्यार दे, हम उन्हें प्यार दे, एक अच्छा बॉन्ड बने। और वो बॉन्ड बनने लग जाता है ना तब बहुत अच्छी फील आती है। अगर आप लोग मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। मतलब बहुत अच्छा एक कनेक्शन सा बन जाता है। ये देखो ये बंदरू सी मेरे पास ही बैठी है। ये देखो इस तरह आगे रहेगी मेरे पास ही। अब इसका सफाई अभियान शुरू रहेगा तो बहुत प्यारा। अब जैसे थोर मैं पापा के साथ रहता है, सुबह जब ऊपर आएंगे ना पापा तो वो नीचे बीच वाले फ्लोर में नहीं रहेगा, सबसे ऊपर आके मेरे पास यहाँ आके बैठ जाएगा। दोनों यहाँ बैठते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ और वो मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे उनकी जरूरत है। मुझे अगर मैं स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता हूँ, स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ, उसी टाइम फिर मैं इनके साथ खेलने लग जाता हूँ। तो बढ़िया एक इलाज है। अगर आपके ज़्यादा टेंशन होती है, ज़्यादा सिर में दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, तो एक प्यारा सा पेट पाल लो। और पेट तो सारे प्यारे होते हैं। मैं अभी अभी एडिटिंग कर रहा था और मैंने देखा थोर गेट के बाहर खड़ा था, तो ये बोलता नहीं है ना, मैंने दिख गया तो मैंने इसको अंदर कर दिया। वो गेट के बाहर खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं। और ये देखो इसकी हरकत है, क्या करा हुआ, ये सारा कीचड़ है, ये सारी मिट्टी है। देखा भी कैसे कान बोझ के बैठा है, क्या करके आया थोर, ये कहाँ करके आया तू, ये देखना। मैं तो अब ध्यान दिया, ऊपर कर मुँह, ये देख सारा मुँह भरा हुआ है इसने, क्या करा ये तूने। और आप लोग मानोगे नहीं गाइस, इसने कल क्या करा, ये देखो ये क्या करा, दिख रहा है आपको, ये देखो ये सारे कॉर्नर सही है बट ये वाला ये टूटा पड़ा है। तो हमारे महाराज ने कल ये भी तोड़ दिया है थोर ने, पर इसकी तो कोई गलती मान नहीं रही, कोई नहीं यार, ये तो हो जाता है, चल ठीक है। गलती तो थोर की कोई है भी नहीं, अगर थोर के लिए सब माफ है। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कहती कोई नहीं। मैंने भी, मेरे भी ये टेंशन थी कि कहीं थोर के ना लग गया हो, तो कल थोर को सारा चेक करा मैंने, बिल्कुल सही है। क्या हुआ है इसका, ये चीज लगी, इसने एकदम से ऐसे कहते हैं एकदम से ऐसे लग जाता है। कल दोस्त आए हुए थे सिद्धार्थ और उनसे मिल रहा था और एकदम से इस पे कूद गया ये, तो ये गिर गया, टूट गया। कोई नहीं, इतने बड़े इशू नहीं है हमारे लिए। बट जो तू ये शरारते कर रहा था थोरू, ये ऊपर बैठा था ना, कहाँ करके आया, क्या कर या इसमें मारा मुंह तूने, किसमें मुंह मारा थोर, किसमें मुंह मारा है, बता किसमें मारा है। और मैं किचड़ सा भी नहीं बना हुआ, सिर्फ इसमें बना हुआ है। या हाँ ये देखो, ये देखो निशान, ये इसके ही काम है। तू वहां तक कैसे पहुंचा रहे, तू तू चल नीचे, नीचे चल, मम्मी बताएगी बेटे तेरे को, चल नीचे, चल 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 नीचे, चल चल चल। मानुष दे मुंह वाद हुआ तेरा, पागल से शरार दी। चलो भाई आपको ओल्ड सिटी का ट्रैफिक दिखाते हैं। हम जैसे कि हिसार में हम थोड़ी रेजिडेंशियल एरिया में रहते, जो नया कह सकते हैं बाहर बाहर तरफ है ना पापा जी, ले बता दिया मैंने बता नहीं रखा था बाहर। चलो भाई बता दिया, वो ना बता दिया कौन सा है ठीक है। अब ये जैसे ये मार्केट एरिया है, जो पुराना राजगुरु मार्केट है ना पापा, इस साथ को राजगुरु मार्केट है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये पड़ाव चौक है। तो यहाँ हम थोड़ा काम से आए हुए हैं, तो मैं सोचा क्यों ना आपको दिखा दे कि भाई सार पुराना शहर ये है, वो मिलते कैंची कुछ या सारे, मतलब बोरी मार्केट है ये उस तरफ। अब आगे ऑटो मार्केट आएगी भाई, हिसार में एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है ये भी। ये चलो नॉलेज वाली बात आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ी ऑटो मार्केट है भाई। घूम अंदर जाओगे ना गुम हो जाओगे, है ना पापा जी,
कितनी बड़ी होगी वहां पर, कितनी जगह में होगी ये? काफी बड़ी है ये, पुरानी जो नई दोनों मिला के तो ये राइट साइड में जो ये इस साइड है ये नहीं है, लेफ्ट तो पुरानी है, ये राइट में नहीं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जी, हर्षल है ना, हर्षल इसी में पढ़ता है, हर्षल इसमें बीटेक कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तन्नु दीदी है ना जो पिछले व्लॉग में आई थी, वो भी इसमें पीएचडी करने लग रहे हैं। थोड़ू तूने मानू को रुआ दिया है, बाकी आप दोनों ने रुआ है, सॉरी। क्या हुआ दिखाई मानु? आंसू दिख रहे मानू? मम्मी क्या हुआ? दिखाइए मानू। दिखा। अरे नहीं है, हेलो अपनी सुसु पोटी करने आई है, देख हेलो की नई मिट्टी आई है व्हाइट कलर की। मम्मी ओ क्या कर रही है, देख ऐसे करके सुसु करते हैं और उसके बाद उसे छुपा देती है। मिल गया तेरे को, तूने तेरी बहन को मारे ना, मानो दीदी के मारे ना तूने और मैंने दोनों ने मारे, क्या लगा? एक बार दिखाई वैसे बहन, क्या हुआ था एक मिनट, क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इस बात को दीदी, आप क्या इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे? अच्छा एक और बात करनी थी भाई मुझे आप लोगों से, जो कल का व्लॉग मैंने डाला था उसमें मैंने जर्मन शेफर्ड्स दिखाए थे, तो उसमें कई कमेंट्स ऐसी आई कि भाई उसे बांध के वो एक जगह में जेल बना के रखा हुआ, ये रखा हुआ है। मेरी फैमिली जितने बड़ी एनिमल लवर्स है वो तो आपने देख ही लिया, मैं ज्यादा वो नहीं फेंक रहा कुछ भी बात, पर आप लोगों ने देख रखा है हमारी फैमिली कितनी बड़ी है। और ये देख लो आप, जब से हम रख रहे हैं ना उससे भी पहले से मेरी मौसी जी डॉग रखते हैं, और उन और जो जैक है वो उन्होंने हमें दिया था, ठीक है, और वो बहुत प्यार करते हैं उनसे, वो सबको मतलब मेरे को वो मुझे समझ नहीं आता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत हो रही है ये, क्योंकि कई लोग कमेंट में कहते हैं कि जेल बना रहे, अरे भाई तुमने ये नहीं ये तो देख लिया कि वो जेल है, तुमने ये नहीं देखा कि उसके बाहर कितना बड़ा ग्राउंड है, 3 acres, 3 किलो में, किले तो हमारे हरियाणा में बोलते थे, 3 acres में वो है पूरी प्रॉपर्टी उनकी, और उस पूरी प्रॉपर्टी में वो घूमते हैं शेरों की तरह, ठीक है, तो आप ओ थोर क्या कर रहे हैं यार ऐसे, तो वो उसमें घूमते हैं, तो किस एंगल से जेल है? दूसरी बात, वो जो उनका प्रॉपर एक स्पेस बनी हुई है, एक घर तो सबके लिए होना चाहिए ना जहां के वो सोए, तो वो उनकी प्रॉपर स्पेस है क्योंकि वो गार्डिंग पर्पस के लिए है, ठीक है, तो इन चीजों पे थोड़ा आप लोग सोच के कमेंट करा करो यार, है ना, कि अगले ने कितना वो इतना प्यार करते हैं और आपने ऐसे कहा, कई कुछ लोगों ने, सबका नहीं कह रहा मैं, और कई लोगों ने तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने उनको फिर जवाब भी दिया कमेंट में। मैंने सोचा मैं एक को कमेंट में जवाब दूंगा, उससे अच्छा मैं व्लॉग में बता दूं ताकि समझ आ जाए। थोर अब आगे माफी मांगने मानू से। एक्चुअली पता क्या हुआ था, मानू और थोर और मैं खेल रहे थे, थोर को आप सबको पता है वो पोपो करने वाला छोटा सा टॉय है जो फिश है वो बहुत पसंद है, मैं मानू को छेड़ने के लिए, मानू खेल नहीं दी थी ना, तो मैंने वो टॉय लेके ऊपर बेड के पीछे रख दिया और थोर आया एकदम से और जंप मार दिया उसने उसके ऊपर, और आपको पता ही है थोर के आगे जब बॉल बुल होते हैं उसको कुछ नहीं दिखता, तो ये सीन हुआ, इसकी वजह से थोर का जो हेड था वो मानू के मुंह पे लग गया और फिर वो दांत के बीच में आके वो होट कट गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटा मोटा चोट तो लगती रहती है हमारे बीच में। थोर दादा तो आ गया, और जैसे कि आपने देख लिया थोर ने हमारे टेबल तोड़ दी है, तो क्या है, तो कोई नहीं है, तो देख लिया। अच्छा मेरा अब ना कवर मंगाया था मैंने मेरे फोन का, मैं आपको पता ही है जैसे मेरे 2 फोन यूज करता हूँ मैं, एक मैं आईफोन XR मतलब 10R है, और एक ये मैंने अभी SE लिया था, वो मैंने व्लॉग में भी कवर करा था आईफोन SE, क्योंकि मैं स्मॉल फोन चाहिए था मेरे को जो हैंडी हो, एक हाथ से यूज हो जाए, तो मेरे को ना इसका ये फोन मैंने लिया इसलिए था क्योंकि ये पतला बहुत ज्यादा है, मतलब मजा आता है इसको पकड़ने में, और मैं कवर वगैरह देख रहा था इसके केसेस और वो मतलब बहुत मोटा कर रहे थे इसको, और मेरे को चाहिए था लेदर केस और मतलब उसमें कुछ और चीज भी चाहिए थी मेरे को, तो मैंने ये मंगाया स्पेशली ऑर्डर करा है, ऐसे मिला ही नहीं मेरे को कहीं भी, तेरे लिए नहीं है थोड़े तो आपके लिए नहीं है भाई। अरे मेरा स्कूटर खुद ही चल पड़ा, मैं बैठी ही नहीं थी। नो थोड़ी बेटे ये तेरा नहीं है, थोरू दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, थोर को लग रहा है इसका कवर है। थोर तू कहाँ लगाएगा कवर, फोन तो ले ले पहले,
ये खुद उठाना आप भाई, गिर गया से मैं खुद गया। ऑफ कैमरा मुझे मत बोलना कि उठा के दे। तो मेन चीज जो थी वो मुझे पसंद आई जो मैंने मंगाई। दिखाओ तो ये देखो, और ये देखो ये 3D मतलब ये उस सुइयों से, सुई धागे से बना कर एम्ब्रॉयडरी कर रखी आप। हाँ तो फिर मैं वर्ड भूल गया था। कैसा लगा मेरा कवर? कान ऊपर नीचे, ये तो होता ही है, नॉर्मल चीज है। मैं ये वैसे अभी नहीं लगाऊंगा, पहले फोन पे लेमिनेशन कराऊंगा, क्योंकि फिर ये कवर से भी तो स्क्रैच पड़ जाते हैं। पर एक बार लगा के दिखा देता हूँ तो कैसा लगेगा, क्योंकि मैं भी पहली बार लगा। कैसा लगा? फैंटास्टिक। सच बता, फैबुलस। गाइस हमने इसको एक्चुअली हम इसको बेदखल कर रहे हैं। आपको चाहिए तो प्लीज बताइएगा। चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय बाय।